Assalamu alaikum Preenath, how are you? Hope you are doing good. I am your teacher of computer science. Today we are going to learn from the chapter number 1, that's problem solving. Today our topic is understanding a problem. So let's start. It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. किसी भी problem के solution की तरफ बढ़ने से पहले हमें उसको समझना ज़रूरी होता है. For example, मिसाल के तौर पर a riddle और a puzzle, एक पहेली या एक पज़ल में कैन बी आंसर्ड ओनली, उसको सिर्फ तभी जवाब दिया जा सकता है आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप उसे अच्छी तरीके से समझ ना सकें. अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम मेक इट ईजियर, अगर हम उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी. टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज, तो हमें मदद मिलेगी उसको हल करने में और हम बचा सकेंगे अपना रुपया, वक़्त और अपने सोर्सेज को. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, किसी भी प्रॉब्लम को समझने में आम तौर पर ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है ऑफ 5 W's जिसमें हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी. पहला W what, क्या, दूसरा W who, कौन, तीसरा W when, कब, नेक्स्ट W where, कहाँ, और पाँचवा W why, क्या. प्रॉब्लम एनालिसिस, ये इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग भी कर लें कि प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे किया जाता है. प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ दी प्रोसेस, प्रॉब्लम एनालिसिस ऐसा प्रोसेस है टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम आ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम किसी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से ये 5 W's को सॉर्ट आउट करते हैं. प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इससे हमें मदद मिलती है ताकि हम समझ सकें आ गिवन प्रॉब्लम, एक मतलूबा या दी गई प्रॉब्लम को. These are the basic elements, ये कुछ बुनियादी elements हैं which led towards the solution of the given problem, जिससे हम दी गई problem के हल की तरफ बढ़ते हैं. For example, मिसाल के तौर पर consider the following problem statement, नीचे दी गई problem को हम समझते हैं. Suppose your class teacher assigned you a task to prepare a list of students, फ़र्ज़ करें आपके class teacher आपको एक list बनाने का काम देते हैं. इन योर स्कूल, आपके स्कूल में हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, जिनका नाम अंग्रेजी के रूप है जी ए से शुरू होता है. द लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, तो लिस्ट की ज़रूरत है कि उसको तैयार किया जाए हरूफ तहजी की तरतीब के साथ ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, तमाम स्कूल के तलबा का. एंड देर इज़ ओनली 1 week टू कम्प्लीट द टास्क, और आपको मुकम्मल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता दिया गया है. वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम, तो हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे बाय आइडेंटिफाइंग 5 W's, तो इसके अंदर भी हम 5 W's का जो बुनियादी तरीका है उसको इस्तेमाल करेंगे. इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन बिलो, जैसे नीचे दिया गया है. वॉट, करना क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, ऐसे तलबा के नाम लिखने हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है. हु, किन का नाम लिखना है, स्टूडेंट्स का लिखना है. वाई, क्यों करना है, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हम उनके नामों की लिस्ट बना सकें. वैन, कब करना है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर. वेयर, और कहाँ पे करना है, और ये हमें स्कूल में करना है. फिगर 1.2 शोज़, ये वाली फिगर हमें ये दिखाती है द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक हमें उसका अक्स दिखाती है मसले का. वेयर द रेड लाइट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, ये सुर्ख बत्ती है जो सी ये हमें प्रॉब्लम को डिपिक्ट कर रही है. द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस, और इस स्टेज पे हम हैं एनालिसिस की स्टेज पे और 5 W's का इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड ग्रीन लाइट प्रेजेंट द सॉल्यूशन, और जब हम ग्रीन लाइट पे जाएंगे तो वो सॉल्यूशन को शो करेगी. इट शोज़ दैट, इससे ये ज़ाहिर होता है प्रॉब्लम एनालिसिस मेक अस क्लोजर टू अ सॉल्यूशन, कि जैसे ही हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं. तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था बेटा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.